हर्षद मेहता के टाइम पे 91, 92 जहाँ पे मार्केट ग्रो होना शुरू हुई। मतलब उसमें आप अगर आप एक कूड़े स्टॉक में भी पैसा डालोगे वो भी ग्रो हो जाएगा। यूएस एज अ कंट्री इज अ वेरी बिग फेलियर। यूएस की जीडीपी कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली $27 ट्रिलियन। यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर लोन कितना है? $33 ट्रिलियन। मतलब उसकी जीडीपी से इतना ज़्यादा। इंडिया में ये जो पेट्रोल डीजल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से तो बढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल उन कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है जिनसे वो चाहता है, क्योंकि उनके रिलेशन यूएस के साथ अच्छे नहीं और यूएस ने क्लियरली मना कर दिया। जो ये डोमिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं, इसके अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हुई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या है कि आरबीआई कभी भी किसी बैंक को फेल नहीं होने देता। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मेरा कोई ट्रेड लॉस में भी चल रहा है तो मैं अपनी साइकोलॉजी को अब इतना कंट्रोल कर चुका हूँ कि उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ। रिपल ने एक ऐसा प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट करी कि आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हो 1 सेकेंड के अंदर, और पैसे कितने लगेंगे? ₹1 से भी कम। टोटल ट्रांजैक्शन, चाहे वो ट्रांजैक्शन $10,000 की है, चाहे वो ट्रांजैक्शन $1,00,000 की है। फर्स्ट ऑफ ऑल यश भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। मतलब मैं काफ़ी दिनों से सोचा था कि कोई क्रिप्टो ट्रेडर हमारे साथ आए, हमारे साथ मिले, बातचीत करें, क्योंकि जितने भी लोगों से हम मिले आज तक सारे के सारे इक्विटी में ऑप्शन ट्रेड करते हैं, बट क्रिप्टो इज समथिंग विच आई रियली एडमायर। और मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आपने क्रिप्टो कैसे शुरू किया, कुछ अपनी स्टोरी बताओ ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि मतलब कैसे क्रिप्टो में आगे बढ़ सकते हैं हम। सो मेरी ट्रेडिंग जर्नी शेयर मार्केट से शुरू हुई थी, एंड शेयर मार्केट में घुसने से पहले मेरे को फाइनेंस की एक फेयर नॉलेज थी, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी सारी की सारी क्वालिफिकेशन, सारी की सारी पढ़ाई हमेशा फाइनेंस में ही रही है। शेयर मार्केट की जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो काफ़ी सालों तक मेरे को उसमें लॉसेस होते रहे, क्योंकि मेरे को ये समझ आ गया था कि ट्रेडिंग किसी पढ़ाई से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और आप उस मार्केट में क्या नॉलेज होल्ड करते हो वही नॉलेज आपको आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करते के देता है और इवेंचुअली आपकी साइकोलॉजी डेवलप करता है। तो जब ये चीज़ें समझ आनी शुरू हुई, जब वो पढ़ाई उस चीज़ की लर्निंग ली कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करी, एक्सपीरियंस जनरेट हुआ, तो धीरे धीरे शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल बने। अब वहाँ पर मेरे को ट्रेडिंग के बारे में एक चीज़ समझ आई कि एक ट्रेडर वो इंसान है जो जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले वो वहाँ से पैसा निकाल सकता है। जब हम चार्ट्स देखते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप प्राइस पढ़ रहे हो। अब वो प्राइस शेयर का भी हो सकता है, वो प्राइस क्रिप्टो करेंसी का भी हो सकता है, वो प्राइस किसी फॉरेक्स मार्केट में फॉरेक्स चार्ट भी हो सकता है, किसी कमोडिटी का भी हो सकता है। तो वहाँ पर फिर मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि कौन सी ऐसी मार्केट है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का था तो मेरे को एक चीज़ हमेशा समझ आती थी कि आप अपने पैसे से पैसा बनाते हो, बट आप सबसे ज़्यादा पैसा तब बनाते हो जब आपके पास किसी और का पैसा हो। क्योंकि अगर मेरे पास आज लेट्स से 1000 रुपये हैं और मेरे को पता है कि मैं 20% जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं अपने 1000 लगाऊंगा, मैं 2000 किसी और से भी लूँगा, वो भी लगा दूंगा। अब मैं उसके 2000 पे 20% बना रहा हूँ, मैं 400 रुपये बना रहा हूँ, चाहे मेरे को 5%, 10% इंटरेस्ट भी देना पड़े मैं दे दूंगा, बट स्टिल मैं तब भी 200 रुपये उस पर बना लूँगा। तो मैं अपने पैसे पे भी पैसा बना रहा हूँ, किसी और के पैसे पे भी पैसा बना रहा हूँ। शेयर मार्केट में एक मेरे को धीरे धीरे कंस्ट्रेंट दिखने लग गया कि आप इतनी लेवरेज नहीं ले सकते, ठीक है। ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर मेरे को लगा कि आपको लेवरेज मिलती है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। क्रिप्टो करेंसीज, जब मैंने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देखा और मेरे को समझ आया, वहाँ पर मेरे को पता चला कि वहाँ पर लेवरेजेस, वहाँ पर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं 1000 रुपये डालता हूँ, मैं 5000 रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ। वहाँ पे मैं 1000 रुपये डालता हूँ तो मैं 1,00,000 रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ, बट अपने रिस्क में ऑब्वियसली रहकर। तो क्रिप्टो करेंसीज में मेरे को एज अ ट्रेडर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा। क्रिप्टो करेंसीज में मेरे को एज ए इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा, क्योंकि शेयर मार्केट मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब एक बहुत बेसिक मूवमेंट में टक जाती है। आज के टाइम पे शेयर मार्केट जब आप पूरे दिन ट्रेडिंग करते हो, अगर निफ्टी आपको 1% का मूवमेंट दे दे तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बट वहीं पर अगर बिटकॉइन जैसी करेंसी आपको दिन में 2-3% का मूवमेंट दे तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो उस सिनेरियो से मैंने क्रिप्टो करेंसीज में एक शिफ्ट लिया एंड देन मैंने उस मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करी एंड मैंने वहाँ पर ट्रेडिंग शुरू करी। अराउंड 2017-18 जब मेरी वो ट्रेडिंग शुरू हुई, फिर मैं धीरे धीरे उसमें प्रॉफिटेबल हुआ। मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी था शेयर मार्केट में, तो मेरे को वो जर्नी कैसे शुरू करनी है, मेरे को वो उस चीज़ की नॉलेज थी। तो जब वो धीरे धीरे शुरू करी अपनी कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से, फिर मेरा वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड मेरे को ऑब्वियसली उसमें रिटर्न्स ज़्यादा दिखे। बट मैं दोनों मार्केट्स में बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं कर पाया, इस वजह से मैंने धीरे धीरे शेयर मार्केट से एग्जिट ले लिया और अब मैं फुल टाइम क्रिप्टो करेंसी ही ट्रेड करता हूँ। कि जैसे आपने एक बात कही कि शेयर मार्केट में आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बट क्रिप्टो में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक तो मैं लेवरेज समझ गया कि लेवरेज वाली बात है, और कैसा क्या डिफरेंस आपको लगा शेयर मार्केट और क्रिप्टो में? सी, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड आपको हर 30 से 40 साल में, 30 टू 40 ईयर्स में एक नया एसेट देता है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे शेयर मार्केट से पहले इंडिया में कमोडिटीज़ में लोग इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। 90s में इंडिया में टाइम आया शेयर मार्केट का, जहाँ पे NSE भी 1994, 95 में आया, सारे शेयर्स को डीमटेरियलाइज करा, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग शुरू हो गई। वो एरा था ट्रेडिंग का, हर्षद मेहता के टाइम पे 91, 92, जहाँ पे मार्केट ग्रो होना शुरू हुई। मतलब उसमें आप अगर आप एक कूड़े स्टॉक में भी पैसा डालोगे वो भी ग्रो हो जाएगा। वो टाइम था कि हर जगह आप पैसा डाल रहे हो, ग्रो हो रहा है। अब लास्ट 30 सालों में वो शेयर मार्केट इतना ग्रो हो चुकी है कि वो अपने सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है। अगर आज मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस की मेरे को अभी नहीं पता क्या मार्केट कैप है, बट मैं अज्यूम करूंगा अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख करोड़ के आसपास मेरे को लगता है होगी। इंडिया की जीडीपी की अप्रॉक्सीमेटली वो हुई 6%, 7% के आसपास। सो अगर आज मैं बिटकॉइन की बात करूँ, मैंने बिटकॉइन सबसे पहले खरीदा था जब बिटकॉइन का प्राइस $3000 से नीचे था। तो अगर मैं लास्ट 3 साल में भी देखूँ, बिटकॉइन का प्राइस 3000 से 65 के भी ऊपर गया और फिर वापस आज 25 के अराउंड आ गया। बट मैं आज भी प्रॉफिट में हूँ। शाबाश बेटा। लोग क्या देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ गई, बट एज ए इन्वेस्टर अगर मैं क्रिप्टो और शेयर मार्केट को कंपेयर करूँ तो मार्केट मेरे लिए ऊपर गई, उसमें एक डिप आया और अगले 5 साल वापस ऊपर जाएगी। 5 साल बाद मैं देखूँगा तो मेरे को एक छोटा सा डिप दिख रहा होगा। ये मेरा ये व्यू है जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर मैं सिंपली भी देखूँ कि अगर मैं बिटकॉइन आज भी बाय कर लेता हूँ 25 पर भी, और अगर वो 20 पर भी आ जाता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को एज ए इन्वेस्टर उसको 5 साल होल्ड करना है। मेरा व्यू वो 25 से 20 पे मेरा कोई रिस्क ही नहीं है। मेरा व्यू है कि वो 25 से 1 लाख 2 लाख जाएगा, वो यहाँ से मेरे पैसे को 4-5 गुना करेगा मिनिमम। बट आज के टाइम पर अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूँ तो उसमें मेरे को कोई भी एक अच्छा स्टॉक ऐसा नहीं दिखता जो मेरे पैसे को 2 साल में 1 साल में डबल कर दे। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप कोई स्मॉल कैप कंपनी उठा सकते हो जो आपके पैसे को ग्रो कर सकती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, विच इज़ एज ऑफ टुडे इट इज़ अ एसेट विच इज़ टू बिग टू फेल। वो इतना बड़ा एसेट है, मतलब वो मार्केट लीडर है क्रिप्टो करेंसी में, वो फेल नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं मार्केट लीडर को चूज़ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ वो डबल होगा, तो मैं शेयर मार्केट में भी मार्केट लीडर को ही देखूंगा ना। मैं रिलायंस और HDFC से ही उसका कंपैरिजन करूंगा, और यहाँ पर ये स्टॉक्स मेरे को डबल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। नहीं, ये जिस स्पीड से आप बता रहे हो उस स्पीड से तो बहुत मुश्किल है। इवन HDFC बैंक के साथ ये कहा जाता है कि HDFC बैंक अपने जो शेयर प्राइस है वो हर 5 साल में डबल करता है। 5 साल स्टिल अगर आप बिटकॉइन की बात करो तो उससे तो कंपेयरली खराब ही है। बट ये एक डाउट लोगों को बहुत रहता है कि मतलब जैसे मान लो आप HDFC बैंक की बात कर रहे हो, आप रिलायंस को बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हो, रिलायंस के पीछे कुछ है जो हमें दिख रहा है कि हाँ अंबानी जी हैं उसको काम कर रहे हैं, या फिर ये रिलायंस जियो चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। HDFC के पीछे उसका बैंक है पूरा, ठीक। बट बिटकॉइन के पीछे क्या है ऐसा जो लोग देख के उस पर विश्वास करें? क्योंकि बिटकॉइन एक्चुअली एक तरीके से आप कह लो कि वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। उसका कोई वो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट उसको बैक कर रही है या फिर वो कहीं जाएगा। ये इट्स ऑल अबाउट कि लोग क्या सोच रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, ठीक है, यही तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम हुआ। सो ये बहुत लोगों का डाउट है और बहुत लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि बिटकॉइन के पीछे हमें कुछ दिखता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से बात, अगर हम इसको समझे बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, एंड वो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट क्या है? दो एसेट हैं, गोल्ड और डॉलर। डॉलर एक करेंसी है, एक करेंसी होने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट ऑफ द वर्ल्ड है। बट सबको पता है कि लास्ट 2 सालों में 3 सालों में यूएस गवर्नमेंट ने कितना डॉलर प्रिंट किया है, उसकी बैकिंग करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बट ये है कि वो फेल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। बट डॉलर इवेंचुअली इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी। इस टाइम पे वर्ल्ड ट्रेड जो है वो डॉलर में चलता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारा डॉलर में होता है। अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम पेमेंट डॉलर में करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट डॉलर में आती है। यूएस एज अ कंट्री इज़ अ वेरी बिग फेलियर, क्योंकि यूएस की जीडीपी कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 27 ट्रिलियन डॉलर। यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर लोन कितना है? 33 ट्रिलियन डॉलर, मतलब उसकी जीडीपी से इतना ज़्यादा। तो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली तो कंट्री स्टेबल नहीं है। वो कंट्री स्टेबल सिर्फ डॉलर की वजह से है, क्योंकि डॉलर आज उसको इतनी पावर देता है कि अगर इंडिया किसी भी कंट्री से कुछ खरीदना चाहता है, जैसे कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल किसके पास हैं? हमें लगता है सऊदी के पास है या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के पास हैं। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो वेनेजुएला, कोलंबिया, इन कंट्रीज़ के पास हैं। बट आज वो सबसे गरीब देशों में से आते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने एक सैंक्शन लगा रखे है कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीदेगा, क्योंकि जब आप खरीदोगे आप पेमेंट करोगे डॉलर में। डॉलर किसकी करेंसी है? यूएस की, वो अलाउ ही नहीं करेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 500,000 रुपये के नोट बंद कर दिए, 1000 रुपये का नोट पेपर बन गया, right. क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। तो जो कंट्री जिस करेंसी को कंट्रोल करती है वो उसके अगेंस्ट डिसीजन ले सकती है। आज आप अपनी जेब में डॉलर रख के घूम रहे हो, 100 डॉलर आपके पास है, आप उसके ओनर हो। बट अगर यूएस गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि सिद्धांत ये 100 डॉलर को खर्च नहीं कर सकता, तो आप खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके कंट्रोलर हैं। और इसी कंट्रोल पे वो पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं। आज इंडिया ने, अगर इंडिया में ये जो पेट्रोल डीजल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल उन कंट्रीज से इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है जिनसे वो चाहता है, क्योंकि उनके रिलेशन यूएस के साथ अच्छे नहीं, और यूएस ने क्लियरली मना कर दिया। जो ये डोमिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं, इसके अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हुई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके अगेंस्ट डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बनाई गई। इसका मतलब आप ही करेंसी के ओनर हो और आप ही करेंसी के कंट्रोलर हो। अगर आज के डेट में आप बिटकॉइन को ओन करते हो, मतलब आप बिटकॉइन के होल्डर हो। इंडियन गवर्नमेंट अगर इसको इलीगल कर देती है, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर इसको इलीगल कर दिया तो क्या? अभी तो ना तो वो लीगल है ना तो इलीगल, वो बीच में है। मतलब आप ट्रेड कर सकते हो, उसको लीगल भी नहीं करा, अभी इलीगल भी नहीं करा, मतलब क्राइम नहीं है ट्रेड करना। प्रॉब्लम्स तो बहुत क्रिएट करी उन्होंने, पैसे जमा नहीं कर सकते आप आरबीआई के, वो बहुत सारी चीजें हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट बैन और बिटकॉइन पे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं करते हैं। दे कैन बैन बिटकॉइन, बट जब भी वो बैन करेंगे, अगर करते हैं, वैसे तो नहीं करेंगे कभी भी, अगर करते हैं तो वो ये बोलेंगे कि आप इंडियन प्रीमिसेस के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियन लैंड को कंट्रोल करते हैं, वो बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करते हैं। मैं इंडिया से बाहर जाके ट्रेड कर लूँगा, मैं सिंगापुर चला जाऊँगा, दुबई चला जाऊँगा, यूरोप चला जाऊँगा, कहीं भी चला जाऊँगा। यूएस गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा दुश्मनी बिटकॉइन है, क्योंकि वो उन्हीं की करेंसी से कम्पीट करने के लिए बनाया गया है। बट उन्होंने आज तक बैन क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको पता है कि यूएस गवर्नमेंट अगर बैन कर भी देगा तो वो सिर्फ यूएस में कर सकता है, क्योंकि वो यूएस लैंड को कंट्रोल करता है, वो यूएस से बाहर बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकता। इस वजह से उन्होंने बैन नहीं करके, उनको पता है उनके बैन करने का फायदा नहीं है। दिस इज नंबर 1। इस वजह से बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। अब नंबर 2 कि क्यों, इसके पीछे बैकिंग क्या है। अब जैसे मल्टीपल करेंसीज आप देखते हो, बिटकॉइन, इथेरियम, या फिर आपने मेटावर्स के बारे में पढ़ा होगा। मेरे हिसाब से, दिस इज माय टेक्स, हर किसी का टेक अलग होता है। मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज इज नॉट अ करेंसी जिसको आप फ्यूचर में जाके डेली ट्रांजैक्शंस में यूज़ करोगे। कि आप उससे सब्जियां खरीद रहे हो, गाड़ियां खरीद रहे हो, बिटकॉइन से नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसका प्राइस जो है मूव करता है। अगर मैंने आज आपको एक बिटकॉइन भेजा जिसकी वैल्यू $30,000 है, उसके बाद प्राइस वहाँ से लेट से नीचे गिर गया, जैसे ही आपके पास आया वो $28,000 पे आ गया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। मेरे को आपको इवेंचुअली एक ऐसी करेंसी में पेमेंट करनी है जो कि स्टेबल इन नेचर हो। क्रिप्टो करेंसीज अपना ही एक एटमोसफियर क्रिएट करती है जहाँ पर आप उसको स्पेंड कर सकते हो, जहाँ पर उसको आप खर्च कर सकते हो, उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा XRP इज़ अ करेंसी जिसका नाम रिपल है। रिपल के अगेंस्ट अब ये केस है SEC में, बट अगर आप समझोगे कि रिपल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वो अपने आप में एक बिजनेस है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आपको HDFC बैंक हमें इस वजह से पता है क्योंकि हम उसको बचपन से देखते हुए आए हैं। क्रिप्टो करेंसी हमें इस वजह से नहीं पता क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। रिपल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, बैंक में अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, आज आप US आपको पैसे भेजने हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपने बैंक से ट्रांसफ़र करोगे पैसा, कितनी देर में पहुंचेगा, 24 से 48 घंटे, 24 आवर्स टू 48 आवर्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन होगी कैसे, आपके बैंक से एक ऐसे बैंक में पैसा जाएगा जो कि US के बैंक से डील करता है। ज़रूरी नहीं है ना कि आपका बैंक US के बैंक से डील करे, फिर उस बैंक से US के उस बैंक में पैसा जाएगा जो कि इंडिया के बैंक से डील करता है, और फिर फाइनली आपके रिसीवर के अकाउंट में जाएगा। 4 बैंक्स इस ट्रांजैक्शन में आए, फॉरेक्स चार्जेस लगे, 24 घंटे लगे, मतलब आपने बहुत भर के फीस पे करी और टाइम भी लगा। रिपल ने एक ऐसा प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट करी कि आप वर्ल्ड में किसी भी कोने से किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हो 1 सेकंड के अंदर, और पैसे कितने लगेंगे, ₹1 से भी कम टोटल ट्रांजैक्शन पे। टोटल ट्रांजैक्शन, चाहे वो ट्रांजैक्शन $10,000 की है, चाहे वो ट्रांजैक्शन $1,00,000 की है। तो क्रिप्टो करेंसी कोई बबल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक लेजिट प्रोजेक्ट है। जैसे इथेरियम है, इथेरियम इज अ लेजिट प्रोजेक्ट। अगर आज मैं एक क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहता हूँ बट मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट मेरे पास एक आइडिया है, एक प्रोजेक्ट है, एक बिजनेस है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इथेरियम मेरे को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, अपनी ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है कि मैं उसकी करेंसी को यूज़ करके अपनी करेंसी बना सकूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल कि आजकल ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जिन वेबसाइट्स पर जाके आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उस वेबसाइट पर जाके उसको आप पे करोगे, आपको वो खुद की वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा। तो क्रिप्टो करेंसी में भी यही है, इथेरियम एक ऐसी करेंसी है जो कि आपको खुद की करेंसी बनाने में आपको हेल्प करता है। तो हर एक करेंसी एक प्रोजेक्ट है, हाँ, बट करेंसीज अब हज़ारों बन चुकी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये जो पूरा क्रिप्टो करेंसीज की पूरी मार्केट है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि कोई भी उठ के अब करेंसी बना देता है, इसीलिए स्कैम्स होने ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी करेंसी सही है, कौन सी करेंसी सही नहीं है। मेरे हिसाब से मैं क्लियर चीज़ बोलता हूँ, इसमें कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं है। टॉप 10 करेंसीज देखो और उसी में रहो, उसमें भी 2-3 करेंसीज ऐसी हैं जो कि मैं इनका फ्यूचर नहीं समझता, बट बहुत सारी करेंसीज बन जाती हैं जो कि बबल है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि कोई सुपरविजन नहीं है, यहाँ पे जो एक्सचेंज है वही रेगुलेटर है, तो ये एक ड्रॉबैक ज़रूर है। बट इसी वजह से इफ़ यू विल आस्क मी, तो आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ इन्वेस्टेड इन टॉप 2-3 करेंसीज, एंड ट्रेडिंग फिर मैं किसी में भी कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में तो मेरा पैसा वहाँ पे मैं रख नहीं रहा ना। 2-3 साल ट्रेडिंग मैंने करी, मैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में उस ट्रेड से बाहर हूँ। बट जब अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आई ओनली इन्वेस्ट इन टॉप 2-3, मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम और 1-2 करेंसीज और। बट व्हाट इज सर, ये जैसे आपने बात कही कि ये सब कुछ सही है, बट जो एक्सचेंजेस हैं वो खुद बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। आपने FTX का केस सुना होगा, ठीक है, वो खुद बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। इथेरियम की बात मेरे आपको बस सही लगी क्योंकि वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है, मुझे भी समझ में आ जाए। मैंने क्रिप्टो के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो बिटकॉइन का मुझे समझ में आया कि किस चीज़ को बैक कर रहा है बिटकॉइन, बट इथेरियम इज समथिंग जिस पे काम हो रहा है। और ऐसे ही आप अलग अलग एक्सचेंजेस बने हुए हैं। अब आपका FTX इतना बड़ा था, बोलते थे टू बिग टू फेल, उसके फाउंडर को तो जीनियस बताया जाता था। FTX फेल होने का एक रीज़न था। अब प्रॉब्लम ये है कि FTX फेल हुआ किस वजह से? FTX फेल इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक चीज़ को क्लेम करता था जो कि था नहीं। आज आज कितनी गवर्नमेंट्स ये क्लेम करती हैं कि अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि उनके पास जितना डॉलर है उतना ही गोल्ड भी है, जितना डॉलर उनका सप्लाई में है उतना ही उनके पास गोल्ड है। या इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जितना हमारा रुपीस सप्लाई है उतना हमारे पास डॉलर है। तो देखो क्लेम हर कोई करता है, बाइनेंस भी क्लेम करता है कि उसके पास जितना बीएनबी उसने सप्लाई में रखा हुआ है, बीयूएसडी उसने सप्लाई में रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट वो बिटकॉइन होल्ड करते हैं, मतलब मल्टीपल क्लेम्स हैं। बट उनमें से बहुत सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो जाएं। अब सबसे बड़ी गलती एफटीएक्स में ये हुई कि उसके फाउंडर ने अपने फंड्स को मिसयूज़ करा। इंडिया में भी हुआ था, कार्वी के साथ नहीं हुआ था, कार्वी में भी तो मिसयूज ऑफ फंड्स हुआ था। बट ये है कि वही सेम प्रॉब्लम घूम फिर के आ जाती है कि ये इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या है कि आरबीआई कभी भी किसी बैंक को फेल नहीं होने देता। ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। फेल होते हैं बैंक बट वो हमेशा बचा लेता है। येस बैंक फेल हुआ, आरबीआई ने बचा लिया। एक पीएमसी, मेरे को जितना नाम याद आ रहा है, महाराष्ट्र में एक बैंक था वो फेल हुआ था, आरबीआई ने बचा लिया। कार्वी फेल हुआ, आरबीआई कहीं ना कहीं उसको बचा रहा है। तो बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन से भी बीच में पड़ी, बट फेलियर्स तो यहाँ पे भी हुए। आज क्या यहाँ पे बैंक्स को CRR SLR रेशोज मेंटेन करनी होती है, क्या वो करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये हर जगह नहीं होता, बट यहाँ पे वो स्कैम बाहर आया। और क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स, यूएस गवर्नमेंट इसको दबाना चाहती है, तो वो और तेज़ी से और बड़ी तरीके से उसको बाहर लेके आती हैं कि वो बड़ा दिखाएँ, बट एक्चुअल में उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो कभी उस चीज़ को, और वो किस, आपको बैकिंग क्यों रखनी होती है? एट पॉइंट ऑफ फेलियर आपके पास होल्डिंग्स होनी चाहिए, इस वजह से आप बैकिंग रखते हो। उसके पास होल्डिंग्स तो थी ना। अगर आपने तो फेलियर जानबूझ के करवा दिया, नहीं तो वो फेलियर होता ही नहीं, वो होल्डिंग्स की कभी उसको जरूरत भी नहीं पड़ती, बट आपने जानबूझ के उसका फेलियर करवा दिया। आज SEC ने रिपल जैसी करेंसी के ऊपर केस कर रखा है, फालतू का केस है, कोई केस का कोई सेंस नहीं है। इसकी वजह से वो रिपल का प्राइस ग्रो ही नहीं हो पा रहा, जबकि प्रोजेक्ट इतना अच्छा है। तो वो वही है कि कहीं जगह पे वो चीज़ बाहर आ जाती है, कहीं जगह पे नहीं आती है। अब जो येस बैंक में प्रॉब्लम थी, वही सेम प्रॉब्लम तो इंडसइंड बैंक में भी है, वही सेम प्रॉब्लम पीएनबी भी है, बट वो फेल नहीं हुआ, येस बैंक फेल हुआ क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज थी। तो बस वही एक प्रॉब्लम है कि हाँ, एक्सचेंज फेल हुआ, नो डाउट, ये बहुत बड़ा इशू है, बट क्योंकि बहुत गवर्नमेंट्स आज भी इसके अगेंस्ट है, ये सिर्फ इसी वजह से हुआ। तो सर, मैंने आपकी जो स्टॉक वीडियो देखी उसमें आपने बात करी कि आप 20 आवर्स अ डे ट्रेड करते हो, 4 घंटे सोते हो। तो इतना बैड कि मतलब आपको पूरी नींद नहीं मिल रही है, आपको रैम स्लिप कंप्लीट नहीं हो रहा है और आप डिसीजन सही से बना पाओगे नहीं, वगैरह वगैरह। तो 20 आवर्स ट्रेडिंग, सबसे पहले ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग एक मिथ है। जब आप भी ट्रेडर हो, आप जानते हो कि आप अपना एनालिसिस करते हो, आप अपने चार्ट्स देखते हो, अपनी चीज़ों को रेडी करते हो। जब आप वो करते हो तो एक्चुअल ट्रेड लेने में आपको कुछ ही टाइम लगता है, फिर आप उस ट्रेड को ट्रैक करते हो। व्हेन आई से व्हेन आई एम ट्रेडिंग 20 आवर्स, इसका मतलब है कि मैं व्हेन आई स्टार्ट ट्रेडिंग, आई स्टार्ट माई ट्रेडिंग इन क्रिप्टोज इन अराउंड 6 PM पे मैं शुरू करता हूँ, 6-6:30 मैं एक्टिवली मार्केट को वॉच करता हूँ। जिस पॉइंट पे मेरे को हो सकता है कभी ट्रेड 8:30 मिले, कभी ट्रेड रात को 1 बजे मिले, कभी सुबह 5 बजे मिले, बट फ्रॉम 6-6:30 आई एम एक्टिव टिल मॉर्निंग 6:30, 7-7:30, जिस तरीके से मेरा ट्रेड चल रहा है। उसके बाद फिर आई ट्राई, क्योंकि मेरा और भी 1-2 बिजनेस है साथ में, तो मैं 12 बजे वापस ऑफिस के अंदर होता हूँ, तो मेरा एवरेज स्लीप 4-5 आवर्स हैं। बट जो बाकी का ट्रेडिंग टाइम है, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कोई ऐसा हार्डवर्क कर रहा हूँ या कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एंजॉय करता हूँ। अगर मेरा कोई ट्रेड लॉस में भी चल रहा है, तो मैं अपनी साइकोलॉजी को अब इतना कंट्रोल कर चुका हूँ कि उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ। तो ट्रेडिंग मेरे लिए एक काइंड ऑफ रेस्ट ही है। तो वो मेरे लिए, हाँ, मेहनत है, आपको उठे रहना पड़ता है आपको, बट यही वो चीज़ है जो कि इवेंचुअली मेरे को वो लाइफ देती है जो मैं जीना चाहता हूँ। मेजॉरिटी यही नहीं कर पाती है। एग्जैक्टली। मेरे साथ काफ़ी लोग आते हैं जो दिन में इक्विटी में ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि सुबह सुबह मार्केट खुलता है 9, 9:30 पे, 9:15 पे खुला, ज़्यादा 9:45 तक ट्रेड मिल जाए तो बढ़िया है, फिर हम ऑफिस भी चले जाएंगे। तो उन लोगों के लिए जवाब है कि भाई 20-20 घंटे ट्रेड करने के बाद तब ये लाइफ मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने बस उठे देखा, लोगों को लगता है कि, मैंने ये वीडियोज़ भी देखी हैं कहीं कि एक घड़ी लेनी है, घड़ी 50,000 की, एक ट्रेड लो, प्रॉफिट आएगा, घड़ी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ दूसरों को भी व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 50,000 आए बट कई बार गए भी तो हैं, और प्लस वो 50,000 नहीं आए, हम बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस के बारे में सिखाते ही नहीं हैं, मैं भी नहीं सिखाता, बट पीछे हैं। अगर आप 50,000 रुपये कमाते हो, उसके बाद उसमें क्या चार्जेस हैं, क्या हिडन चार्जेस है, क्या टैक्सेशन है, 10 चीज़ें होती हैं जो हम कभी लोगों को बताते ही नहीं हैं, हम कभी सिखाते ही नहीं है। और ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती सवा 9 बजे चार्ट देखा, 9:20 पर ट्रेड लिया, 9:30 पर एग्जिट और अपना निकल लिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी एक दिन हो गया होगा तो उस बंदे ने वीडियो डाल दी होगी, बट उससे पूछो कि बाकी दिन जो बाकी 20 दिन वो ट्रेडिंग कर रहा है पूरे महीने में, उस दिन वो क्या कर रहा है। उस दिन हो सकता है उसका कोई ट्रेड फंसा भी होगा जो पूरे 6 घंटे चलता रहा, ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी। जब लॉस हुआ होगा तो भी तो लॉस भी तो गया ही होगा ना। वर्ल्ड का सबसे बढ़िया ट्रेडर भी होगा तो भी वो 10 में से 7 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इवन ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो अभी आपने सुभाषी जी की बात करी थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो खुद ही कहते हैं 50% ट्रेड्स उनके लॉस में जाते हैं। इवन रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजेबल है। सी, मेरा हमेशा ट्रेडिंग को लेके एक मानना है, टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग व्हिच कैन बी लर्नड इन 15 डेज एंड एक्सेल्ड इन 30 डेज। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ईजी चीज़ है, चार्ट्स को पढ़ना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। डिफिकल्ट टास्क है कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट समझना। आप मेरे को कोई ट्रेड ला के दो, अगर आपकी कैपिटल मैनेज्ड है और वो ट्रेड लॉस में चल रहा है, मैं उस ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरा अगर मैंने कोई ट्रेड गलत ले भी लिया, मेरा कोई ट्रेड गलत चला भी गया, बट अगर मेरी कैपिटल मैनेज्ड है, मेरा रिस्क मैनेज्ड है, तो मैं उस ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने कई बार ऐसे ट्रेड्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा है। हमारी इंटरनल कम्युनिटीज़ जाती हैं, जानती हैं ये चीज़ कि हमने किस तरीके से बिटकॉइन हमारे अगेंस्ट 20% एक डायरेक्शन में चला गया, उसके बाद भी हम उस ट्रेड को प्रॉफिट में ले आए, क्योंकि हमारी कैपिटल मैनेज्ड है। अगर आपकी कैपिटल प्रॉपरली मैनेज्ड है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एनालिसिस गलत भी हो जाएगा, आप ट्रेड को प्रॉफिट में ले आओगे। एनालिसिस मेरे हिसाब से पूरे ट्रेड का एक 20% पार्ट ही होल्ड करता है, 80% इज कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट की बात की तो इसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है उतना ज़्यादा टफ होता है रिस्क मैनेज करना। बेसिकली आपने लेवरेज की बात करी, लेवरेज ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट और अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपने बेनिफिट बताए हैं क्रिप्टो के, उससे एक चीज़ और निकल के आती है कि वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और भी अच्छे से होना चाहिए। राइट, ये एक टॉपिक है जिस पे आप थोड़ा सा लाइट डालो कि कैसे कोई नया क्रिप्टो ट्रेडर रिस्क मैनेज कर सकता है अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग में। सो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिस्क मैनेजमेंट लोगों को लगता है कि उनकी कैपिटल अगर छोटी है तो वो मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते। प्रॉब्लम कैपिटल नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है। जब आप ये सोचोगे कि आपकी कैपिटल चाहे $100 है, बट वो कैपिटल से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी कैपिटल 100 करोड़ रुपए वो भी छोटी है, मार्केट को 100 करोड़ रुपए भी नहीं लाते, मार्केट को हज़ारों करोड़ रुपए लाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी कैपिटल को छोटा समझ लेते हैं। आपको अगर आप ये सोच के ट्रेडिंग करोगे कि अगर मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए हुए तो मैं इस मार्केट में अभी इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड लूँगा, और उसी सोच से अगर आप $100 से ट्रेड करोगे तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। नंबर 1, हमेशा अपनी कैपिटल को बहुत बड़ा समझो। दूसरी चीज़ कि आजकल मैंने देखा कि लोग अपने रिस्क को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। 100% आप मैथमेटिकली अपने रिस्क को कैलकुलेट करो, बट रिस्क कैलकुलेशन सबसे पहले लॉजिकली होती है और फिर मैथमेटिकली होती है। सबसे पहले चीज़ मैं ये समझूंगा कि मार्केट के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। मार्केट कहती है कि $100 अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस $10 का है, तो हम क्या करते हैं कि बट हमारी जेब तो $5 ही अलाउ करती है, तो हम $5 पे ही स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये कभी नहीं करनी। अगर $10 का स्टॉप लॉस मार्केट दे रही तो $10 का ही लगाओ, नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत लो, नहीं तो अपनी पोजीशन को आधा कर दो। लोग क्या करते हैं, तब भी ले लेते हैं और फिर उसमें अपने कैपिटल गवा देते हैं। दूसरी चीज़, ये जो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है, इन क्रिप्टो ट्रेडिंग स्पेशली स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम काम करता है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस का ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम काम करता है। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट। अब जब मैं टेक्निकली ट्रेड ले रहा हूँ और जो मार्केट को चला रहे हैं लोग, उनको नहीं पता क्या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आपने सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया, आपने बाई ट्रेड लिया, उनको नहीं पता कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस किधर लगे हुए, सब पता है उनको। वो आपका स्टॉप लॉस काट के मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और यही होता है हमेशा, क्योंकि हम स्टॉप लॉस उनकी रेंज में लगाते हैं। या तो हमारा स्टॉप लॉस उस रेंज से बाहर हो, या तो हमारा रिस्क इस तरीके से मैनेज हो कि मैंने अपनी कैपिटल का, अगर मैं 10% ट्रेड में इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे पास $100 है, मैं $10 से ही ट्रेड में गया हूँ, अब मेरे हाथ में पावर है कि मैं उस ट्रेड को डोमिनेट कर सकता हूँ। आपका मैक्सिमम लॉस $10 का ही हो सकता है, राइट? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम $100 डाल के $10 का रिस्क लेके चलेंगे। मैं कह रहा हूँ डालो ही 10 और पूरे 10 का रिस्क लेके चलो, बट लोगों को क्या होता है कि उनको अपने $100 इतने छोटे लगते हैं कि 10 तो उससे भी छोटे हुए। बट मैंने अपने सामने लोगों को देखा है कि इतनी छोटी कैपिटल से उन्होंने हज़ारों डॉलर बनाए हैं, बट इसमें टाइम लगता है। देखो, फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ योर ट्रेडिंग करियर आप पैसा निकाल नहीं सकते, आप पैसे को कंपाउंड करते हो। आप 100 से 200 पे जाओगे, डबल करोगे, जब 200 को डबल करोगे तो 400 पे जाओगे, 400 से 800 पे जाओगे, 800 से 1600 जाओगे। पहले 6 महीने छोटा रिटर्न दिखेगा, 6 महीने बाद आपको एक कंसिडरेबल रिटर्न दिखेगा और 2 साल बाद आपको वेल्थ क्रिएशन दिखेगी। बट वो 2 साल की जर्नी हम पूरी ही नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि 10%, 5%, 2% का स्टॉप लॉस लेके चलो। मैं आपको कह रहा हूँ 100% का स्टॉप लॉस लेके चलो, बट 10% कैपिटल से ट्रेड करो। ये काफ़ी यूनिक, मतलब मुझे लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू है। जनरली होता है कि नॉर्मली हर जगह स्टॉप लॉस का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है? आप जितना कैपिटल है आपका, कैपिटल लगाओ और स्टॉप लॉस 2% पर रखो, 3% पर रखो। आप कह रहे हो कैपिटल इतना ही लगाओ और छोड़ दो स्टॉप लॉस। आप एक चीज़ समझो, माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसा फंड हाउस है, उन्होंने 1.5 लाख बिटकॉइंस खरीदे, टेस्ला ने हज़ारों बिटकॉइन खरीदे, कई लोग लाखों बिटकॉइन होल्ड करते हैं। अब जो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने बिटकॉइन खरीदे, वो उन्होंने बिटकॉइन पूरे अपफ्रंट पेमेंट देके कैश में नहीं खरीदा है, उन्होंने भी एक लेवरेज ली है। okay. उनकी एवरेज बाइंग थी $28,000, ठीक है? बिटकॉइन आ गया था $16,000, उन्होंने तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब क्या वो बेवकूफ़ बैठे हैं जिनके पास 5,000, 10,000 ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो क्यों नहीं लगा रहे स्टॉप लॉस? सबसे बड़े बेवकूफ़ हम लोग होते हैं। पहले तो हमें चाहिए 20 एसेट ट्रेडिंग करने के लिए, 20 करेंसियों में ट्रेड लेने हैं, 20 करेंसियाँ वॉच लिस्ट में चल रही हैं और ट्रेड चल रहे हैं, उसमें सब में देख रहे हो। इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रही है और हम एक अकेले बैठे हुए हैं और हम 20 करेंसियों में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर होती है। आप हमेशा ये समझ के चलना कि मेरे लिए बिटकॉइन में अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ बिटकॉइन में ही ट्रेड लूँगा, मैं दूसरी करेंसी पे हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं बिटकॉइन को इतने सालों से देखता आ रहा हूँ। अगर आज बिटकॉइन 25,000 पे है तो मेरे को आप ये भी पूछ लोगे ना कि वो सुबह से 25,000 पे आया तो उसने कौन से कलर की कैंडल्स बनाई होंगी, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। मैं चार्ट हफ्ते में एक बार ही देखता हूँ और उसके बाद मेरे को समझ आ जाता है कि मेरे क्या लेवल्स हैं और मैंने कहाँ ट्रेड लेना है। मेरे माइंड में क्लियर है कि मैं बिटकॉइन को स्टेप बाय स्टेप जानता हूँ, कैंडल बाय कैंडल जानता हूँ। मेरे को पता है कि किस न्यूज़ का इम्पैक्ट बिटकॉइन पे कब तक आ सकता है, कितना आ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन को मैं इतनी अच्छी तरीके से मैथमेटिकली जानता हूँ। अगर मैं बिटकॉइन में कोई पोजीशन लेता हूँ तो मेरे को अपना पोजीशन वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है, मैं वैसे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की मैथमेटिक्स मेरे पूरे माइंड में फीडेड है। क्योंकि मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो एक करेंसी वो होनी चाहिए जो मेरे टिप्स पर हो। जब इतनी बड़ी कंपनी एक ही करेंसी में ट्रेड लेती है तो हम कौन है जो 20-20 करेंसी लेके बैठे हैं? नंबर 1। नंबर 2, जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। माइक्रो स्ट्रैटेजी की लिक्विडेशन थी 14,000 पे, मतलब $2,000 नीचे। उस टाइम पे वो होल्ड कर रहे थे कुछ 1 लाख बिटकॉइंस के आसपास, 1 लाख बिटकॉइन की पोजिशन लिक्विडेट हो जाती। उन्होंने तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी पोजीशन कैसे मैनेज कर रहे हैं। मैं आपसे दोनों जगह देखो लॉस सेम है, स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी आप $10 खो रहे हो, मेरी स्ट्रैटेजी में आप 10 ही खो रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये स्ट्रैटेजी नहीं लेना चाहते क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल छोटी हो जाती है और साइमल्टेनियसली रिटर्न भी छोड़ जाता है। हाँ, और लोगों को लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब वो हमारे पास आते हैं, हम ये बोलते हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं और चले जाते हैं। बट अगर आपको 2 साल लगेंगे तो लगेंगे। अगर मेरे को दिल्ली टू जयपुर जाना है तो मेरे को 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे को मैं 3 कर सकता हूँ, बट 4 घंटे को मैं 15 मिनट नहीं कर सकता। लोग 2 महीने 3 महीने में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर 2-3 महीने में ट्रेडिंग में इतना पैसा बन रहा होता तो पूरी दुनिया ही ट्रेडिंग कर रही होती। ट्रेडिंग करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होती, लोगों में साइकोलॉजी नहीं होती। अगर आज मैं एक लाइफ जी रहा हूँ ट्रेडिंग की वजह से, तो ट्रेडिंग मेरे को यहाँ तक पहुँचने में 8 से 9 साल लगे हैं और वो 8 से 9 साल में वेल्थ मेरी कंपाउंड हुई है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले 3-4 साल तो हमारे पास भी कुछ नहीं था, ट्रेडिंग में फंड होता था बट निकाल तो उसमें से भी कुछ नहीं पाते थे। 5,000 से शुरू करके उसी से सारी कैपिटल क्रिएट करी है। आज अगर मैं बोलूँ मैंने लास्ट 3 साल मैंने 1 रुपये भी मार्केट के अंदर नहीं डाला। मैंने जो इधर से कमाया उसी को रीइन्वेस्ट करके बाकी जो थोड़ा बहुत बचा विड्रॉ कर लिया, बट मैंने अपनी जेब से कुछ नहीं डाला क्योंकि मेरी वही वेल्थ कंपाउंड होती है ही है। $1,000 को आप डबल करोगे 2,000, 2,000 से 4,000, 4,000 से 8,000, 8 से 16 जब बनेगा तो आपको एक कंसिडरेबल चीज़ देखेगी कि हाँ भाई कुछ वेल्थ बनी है। आप 1,000 से 2,000, 2,000 से 4,000, आप 4 बारी में 16 तक तो पहुंच गए, बट आप देखोगे तो आपने 4 बारी 16 तक पहुंचने में अपने अपने पैसे को 16 गुना कर लिया है। हम उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और हम टाइम को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली आप पहुंचते कहीं पर भी नहीं हो। तो बेसिक फंडा क्रिप्टो को मैनेज करने का, रिस्क मैनेजमेंट का, कि जितना रिस्क लेना है उतने का ही ट्रेड लो। अगर वो 0 भी हो गया तब भी रिस्क मैनेज हो जाएगा आराम से, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ही आप उतना अफोर्ड कर सकते थे। आप अपने स्टॉप लॉस जितना ट्रेड ले लो। अब ये चीज़ एक प्रॉब्लम है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी, हाँ क्रिप्टो करेंसीज में एप्लीकेबल है, शेयर मार्केट में दिस इज नॉट एप्लीकेबल। स्टिल मतलब अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करो तो मुझे लगता है लेट्स से ऑप्शंस में अगर उनका 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लॉट में ट्रेड करें जी, लेट्स से वो भी हो जाएगा फ्लिप क्लियर तरीके से। एब्सोल्युटली वो कर सकते हैं और मैं भी करता हूँ। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक अकाउंट अपना बिल्ड करा, मैंने 25,000 से शुरू करा। मैं अभी उसका प्रॉफिट लॉस भी ला सकता हूँ। अभी वो अकाउंट का प्रॉफिट कुछ 80,000 पे है, मैंने हार्डली उसमें 5 ट्रेड लिए हैं। बट मैंने 25,000 जब थे तो मैं 1 लॉट से ज़्यादा ही नहीं खरीद पा रहा था। मैंने भी 1 लॉट से शुरू करा। मैं एक ऐसी वापस, क्योंकि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग लास्ट 2-2.5 साल से छोड़ी हुई है, तो थोड़ा सा मैं वापस करने की अब कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को मन कर रहा था ऐसी ट्रेड लेने का, तो मैंने कोशिश करी कि हाँ मैं भी अब वापस एक अकाउंट बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। बट अब मैं यहीं से अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई करूँगा, मगर मेरे को क्लियर है कि मेरे को वो करने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैं धीरे धीरे ट्रेड ले रहा हूँ और इस वजह से वो बढ़ भी रही है। अब लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से ट्रेड लेने, बहुत जल्दी कैपिटल ग्रो करनी है, तो वो कहीं पे भी नहीं जाते। एग्जैक्टली, डेली लोगों को लगता है कि अगर सेटअप के सामने बैठे तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा। हाँ जी, ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे दिन जाते हैं जब दिन भर बैठने के बाद भी आपको ट्रेड नहीं मिलता। एब्सोल्युटली, बट इससे लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पे हैं तो 1-2 ट्रेड ले ही लेते हैं और वो फिर वो लॉस में जाता है। कभी भी ट्रेड के पीछे नहीं मत जाओ। नेवर रन आफ्टर अ ट्रेड, ऑलवेज लेट द ट्रेड टू कम टू यू। ट्रेड अपने आप आपके पास जब आए तो वो ट्रेड सही है। मैं हमेशा कोई भी करेंसी में ट्रेड करने से पहले करेंसी की बैक टेस्टिंग करता हूँ। लास्ट 3-4 महीने अगर मैं बिटकॉइन के अलावा किसी भी करेंसी में ट्रेड ले रहा हूँ, मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं लेता, बट मैं उस करेंसी को 3-4 महीने के चार्ट्स को रीड करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ये करेंसी कितना टेक्निकल्स को फॉलो करती है, एक चीज़ रीड करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ ये करेंसी कितने ट्रेड देती है एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, और फिर मैं एक ट्रेड फॉर्म करता हूँ। वो ट्रेड मेरे को लगता है ये ट्रेड को अभी मिलने में 5-6 दिन लगेंगे, मैं 5-6 दिन वेट करता हूँ, बट ट्रेड जब मेरे पास आएगा अपने आप चलता हुआ तब मैं लूँगा, और मेरा एक ट्रेड 10 ट्रेड्स के बराबर होगा क्योंकि मैं उसके लिए अच्छे तरीके से वेट करूँगा। मतलब यही जो पेशेंस है मेजॉरिटी लोगों में नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग मनी। ये पेशेंस नहीं। अब मैं खुद पूरी रात बैठता हूँ, हफ्ते में 5 दिन में पूरी रात बैठा हूँ, मिलता ट्रेड एक ही दिन है, बाकी 4 दिनों में ऐसे ही बैठे हुए स्क्रीन को देख रहे हैं। वो भी एक तरीके से वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट इवेंचुअली जब वो एक ट्रेड मिलता है तो वो उसी ट्रेड में जो आपको प्रॉफिट आता है, जहाँ जो आप उसको जब इंजॉय करते हो तो आप फिर वो 4 दिन भूल जाते हो। आई कीप ऑन सेइंग कि मतलब लोगों को लगता है ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंजॉय वाली बात होगी, मतलब आप बैठ बहुत एग्रेशन होगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन आई थिंक ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग जॉब इन द वर्ल्ड। अगर आप बात कर रहे हो कि 5 दिन में आपको 1 दिन ट्रेड मिल रहा है, 4 दिन आप क्या कर रहे हो, चार्ट देख रहे हो, बोर ही तो हो रहे हो। बोर ही हो रहे तभी। मेरे लिए तो ट्रेडिंग सेटअप क्या है, ट्रेडिंग सेटअप में वो लाइटें वगैरह हम लगाते हैं, स्पीकर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपका माइंड जो है वो, अब आप बोर होना शुरू हो जाते हो, आप इधर उधर चीज़ें सोच, ये सारी चीज़ें आपको काम रखती हैं। इस वजह से ये सेटअप क्रिएट करा जाता है, इस वजह से स्पीकर्स लगाते हैं कि गाने सुन के काम रखेंगे, क्योंकि जब ट्रेड आता है तो एक रश आता है बॉडी में, आप पैनिक करना शुरू करते हो। जो चीज़ आपको काम रखती है आप उस चीज़ को अपने आसपास रखो। जैसे मेरे को अगर गाने से सुनकर मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है तो मैं गाने सुनूंगा, मैं कुछ करूँगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वो जो रश होता है वो कभी कभी तो अच्छा होता है जब प्रॉफिट चल रहा होता है, बट हर एक ट्रेड, अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ उसमें से 9 ट्रेड तो पहले लॉस में जाते हैं और फिर वहाँ से प्रॉफिट में आते हैं। ऐसा तो नहीं है जहाँ से मैंने बाय करा वहीं से ऊपर चला जाएगा, वो पहले लॉस में जाएगा फिर मैं प्रॉफिट में आएगा। तो जब वो पहले लॉस में जा रहा है वो जो पैनिक है वो कंट्रोल करने के लिए आपको इतनी इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। सो एट लास्ट दो क्वेश्चन है मेरे पास। पहला कि 3 क्रिप्टो फॉर इन्वेस्टिंग, ऐसे कौन से 3 क्रिप्टो हैं जो आप बोलोगे लोगों के कि उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? सो जैसे कि मैंने बोला कि मैं जो पर्सनली करता हूँ मैं वही एडवाइस करूँगा। पर्सनली मैं मेरा जो मेजरली सारा पोर्टफोलियो बिटकॉइन, इथेरियम एंड उसके अलावा आई कीप ऑन स्विचिंग। जैसे अभी मेरा पोर्टफोलियो आई एम क्रिएटिंग इन रिपल XRP। जब थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा तो वहाँ से निकल के आई विल प्लान कि अगर सोलाना एक ये FTX की न्यूज़ के बाद भी अगर सस्टेन कर पाता है तो सोलाना एक बहुत अच्छे लेवल्स पे फॉर इन्वेस्टमेंट है। तो मगर मैं आई विल ऑलवेज स्टे इन टॉप करेंसीज जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं 3 की बात करूँगा तो उसमें से 2 हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम ही रहेंगे। और जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, ट्रेडिंग में भी मेरा सेम करेंसीज में ही हमेशा रहता है, बिटकॉइन एंड इथेरियम, क्योंकि ये करेंसीज सबसे बड़ी हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होती हैं। कोई भी मैं ट्रेड लूँगा अगर मैं बड़ी क्वांटिटी मिल रहा हूँ तो इमीडिएटली एग्जीक्यूशन मिलती है। एंड बिटकॉइन इथेरियम मैं पिछले बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो इनका $10 का मूवमेंट भी मेरे टिप्स पे है, तो इस वजह से मैं इन करेंसीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो आपको गाड़ी की अपनी सारी पता है कि डायमेंशंस क्या हैं, कहाँ जाके मेरी गाड़ी ठुक जाएगी, तो मेरे को इसी तरीके से बिटकॉइन इथेरियम के बारे में पता है। तीसरी करेंसी मेरी स्विच होती रहती है। जैसे रिसेंटली आई वॉज ट्रेडिंग इन टोमो एक करेंसी है, बट अब धीरे धीरे मैं उसमें ट्रेड कम करके आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन BCH करके एक करेंसी है, क्योंकि अब मैं इन करेंसीज़ को जिस भी करेंसी में थर्ड करेंसी जो भी मेरी रहती हैं उनको मैं 1 से 2 महीने पहले पूरा पढ़ता हूँ, फिर उनको बैक टेस्टिंग करता हूँ, पूरा उनकी हिस्ट्री देखता हूँ, उसके बाद फिर उसमें ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। तो करंटली आई एम वर्किंग ऑन BCH। और ये आप जो करते हो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हो या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग का क्रिप्टो करेंसीज में कोई लॉजिक नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यूट्यूब वीडियोस में मैंने देखी है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप क्यों करते हो कि आपको लेवरेज चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपको 100x तक लेवरेज मिल जाती है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी क्यों है? आप फ्यूचर में आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको 10x 20x लेवरेज मिल रही है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना ही क्यों है? और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को परपेचुअली कैरी कर सकते हो, मतलब जैसे इक्विटी में एक्सपायरीज होती हैं, एक मंथली, 2 मंथली, 3 मंथली, इसमें एक्सपायरी ही नहीं है। अगर आपने 10 साल तक ट्रेड कैरी करना 10 साल तक करो, 20 साल करना 20 साल करो, कोई एक्सपायरी नहीं है। तो इस हिसाब से कौन सा ऐसा एक ऐप या फिर कोई प्लेटफॉर्म है जो आप सजेस्ट करोगे इस पे ट्रेड कर सकते हैं? बाइनेंस। थैंक यू सो मच यस भाई, क्योंकि काफ़ी मज़ा आया मुझे क्रिप्टो के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन शायद मुझे भी नहीं थी और ऑडियंस को भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली इक्विटी और ट्रेडिंग पे रिलेटेड है। और अगर आगे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।